नमस्कार। सबसे पहले आप सभी के लिए न्यूज़ ऑफ हंटर्स की तरफ से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अशफाक अंसारी, न्यूज़ ऑफ हंटर्स में आपका स्वागत है। आज पूरे शहर में विजयदशमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछली वर्ष की तरह इस वर्ष भी मूर्ति विसर्जन से पहले पूरे शहर में झांकियों को घुमाया गया, लेकिन कोरोना का असर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जहाँ पूरे शहर में प्रतिमाओं की कमी रही, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं में भी कमी देखी जा सकती है। विजयदशमी का त्यौहार पूरे शहर में धूमधाम से मनाया गया। बीना की सड़कों पर देवी प्रतिमाओं को शहर भर में घुमाने के साथ श्रद्धालुओं ने जमकर देवी मां के जयकारे के नारे लगाए। बीना में 75 से ज़्यादा झांकियों निकाली गईं। प्रतिमा विसर्जन के लिए हर वर्ष की तरह मोतीचूर नदी में प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएँ की गईं। मोतीचूर समिति के द्वारा मोतीचूर नदी विसर्जन घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया। मोतीचूर नदी पर लगी आकर्षक लाइटों ने विसर्जन घाट पर चार चांद लगा दिए। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा SDM अमृता गर्ग की मौजूदगी में विसर्जन को लेकर हर तरह की व्यवस्थाएं की गईं और विसर्जन के लिए बनाए गए कुंड में मशीनों के द्वारा देवी प्रतिमाओं का विसर्जन पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में किया गया। वहीं SDOP प्रिया सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी कमल नेगवाल सहित पुलिस के जवान व्यवस्थाओं के लिए तैनात रहे। अशफाक जी, टीम माँ मोतीचूर जल एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान समिति बीना, इसका पूरा यहाँ पे योगदान रहता है मोतीचूर घाट के रखरखाव में, साथ ही इसको सौंदर्यकरण के लिए। और अभी दशहरा के उपलक्ष्य में आपने पूछा है, तो दशहरा के उपलक्ष्य में आप ये देखेंगे इस तरफ फव्वारे समिति द्वारा लगाए गए हैं। समिति का अपना बोर है जिससे पानी क्लीन किया गया है, क्योंकि ये विसर्जन जो घाट था जहाँ पर विसर्जन हो रहा है, यहाँ का पानी सामग्री उसमें आने से काफ़ी दूषित हो गया था, तो वो पानी क्लीन किया है। अभी हमने फव्वारे लगाए हैं, साथ ही हमारी पूरी टीम सुबह 8 बजे से यहाँ पे मौजूद है और लगातार प्रशासन को सहयोग कर रही है विसर्जन में। कार्य तो लगभग 10 वर्ष से चल रहे हैं। जैसे आप सामने घाट देख रहे हैं, सीढ़ियाँ बनवाई गई, ये दीवाल जो देख रहे हैं दीवाल बनवाई गई, ये विसर्जन घाट। हालांकि सारे कार्य जो हैं मोतीचूर समिति की मेहनत से, और नगर पालिका प्रशासन है, SDM प्रशासन है, प्रशासन का बहुत सहयोग मिला है। निरंतर काम धीरे धीरे चलते रहे हैं। यहाँ ठीक हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया, करीब 1000 पौधों का रोपण किया गया था। शमशान कब्रिस्तान, शनि मंदिर और आपकी ये दीवार के किनारे बड़े मंदिर में सारे के सारे अभी 800 वृक्ष सुरक्षित बड़े पेड़ बन चुके हैं। तो मोतीचूर समिति निरंतर कार्य करती रहती है, और इसमें ऐसे सदस्य हैं जो निस्वार्थ रूप से जुटे रहते हैं। देखिए, पुराने अनुभवों को देखते हुए हमने जो रणनीति बनाई, उसमें सबसे पहले तो ये था कि हमें एक निश्चित दूरी पे हम लोगों को रोक रहे हैं, घाट तक उनकी गैदरिंग नहीं होने दे रहे हैं। दूसरा, मास्क के लिए भी हमने प्रेरित किया है लोगों को, और परस्पर दूरी भी बनाए रखें। पुराने समय के सारे जो अनुभव हमने एकत्र करके उनको देखा, तो हमने ये सोचा कि इसको अच्छे से अच्छा किया जाए, जिस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश गड़बड़ी की ना रहे। हम 0% तक गए कि यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई हादसा या कोई घटना ना घटे। मैं विगत 3 दिन से यहाँ पर आके मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग किया है, और SDM मैडम भी साथ में रही है, उनका भी निर्देशन हमें प्राप्त हुआ है, और तहसीलदार साहब के निर्देशन प्राप्त हुए हैं। लेकिन हमने तैयारी इस हिसाब से की है, अच्छी प्रकाश की व्यवस्था की है, मार्ग में अच्छी व्यवस्था की है, और हमने गोताखोरों के लिए भी एक पहचान दे दी है उनको, तो गोताखोर ये इस तरह से। और जो बड़ी मूर्तियां हैं हम उनको हाइड्रा के माध्यम से नदी में विसर्जित करवा रहे हैं, छोटी मूर्तियों को हम सीधे ला के वहाँ विसर्जन कर रहे हैं।